यार मैं वीडियो बनाने में बिजी हो गया था और मुझे यार यहाँ पे सांप दिख गए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इससे पहले मैंने सोनेरी बैल का वीडियो बनाया था, अगर आपने वो नहीं देखा तो आई बटन में मैं आपको दे दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप उसे देख सकते हैं। तो आज मैं आपको और एक ऐसी नई जगह दिखाने वाला हूँ। सोनेरी बैल से 1 किलोमीटर डिस्टेंस पर होगा और यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही है और इस जगह का नाम है बुद्ध लेनी। जैसे कि अजंता और एलोरा में कुछ बुद्धिस्ट केव्स है, उसी तरह हमारे शहर में छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद के अंदर भी कुछ बुद्धिस्ट केव्स है, वही मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ। यहाँ से हम ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू करेंगे, लेनी की तरफ जाएंगे और आपको रास्ते में जाते जाते ऐसे बहुत सारे मूर्तियाँ दिखाई देंगी। यहाँ के जो बुद्धिस्ट लोग हैं उन्होंने अपने प्रियजनों की याद में यहाँ पर मूर्तियाँ लगाए हैं। अब जो जिनके पास पैसा है उन्होंने मूर्तियाँ लगाए थे और जिनके पास पैसे नहीं है उन लोगों ने यहाँ पर पेड़ लगाए हुए हैं। सीढ़ियाँ बहुत दूर है, काफ़ी लंबी सीढ़ियाँ दिख रही मुझे अभी। ऐसे चल के जाना है और ऊपर जाने के बाद में एक जगह पर इसका टिकट भी निकालना है। जब मैं छोटा था तब भी मैं यहाँ पर आया था बहुत बार और उस टाइम पे यहाँ पर टिकट वगैरह कुछ भी नहीं था, लेकिन अभी काफ़ी टाइम से इन्होंने यहाँ पर टिकट वगैरह चालू कर दिए। ये जो दिख रहा आपको इधर कुछ केव्स है और फिर ऊपर से रास्ता है इधर के साइड में, तो इधर भी कुछ केव्स है शायद। दोस्तों टिकट घर आ गया, ये जो आगे दिखाई दे रहा यही टिकट घर है। और इस रास्ते से अगर हम आगे जाएंगे ना तो यहाँ पर पीछे की साइड की जो 5 गुफाएं है वो इसी साइड से मिल जाएगी। ₹25। ओके थैंक यू। टिकट निकल लिया दोस्तों मैंने, ₹25 का ये टिकट है। और मैंने आपको बोला कि मैं यहाँ पर बचपन से आता हूँ, बहुत बार आ चुका हूँ, लेकिन मुझे आज तक ये नहीं पता था कि आगे के साइड में कितनी लेनी है और पीछे कितनी लेनी है। तो जहाँ मैंने टिकट निकाला मैंने उनको पूछा तो उन्होंने बताया कि इधर के साइड में 5 लेनी है और पीछे की साइड में 5 लेनी है। तो यहाँ से जब नीचे उतरेंगे तो वहाँ से ही सीधा रास्ता जाता है पीछे की क्लिनिक की तरफ। तो मैं आपको जब उतरूँगा तो दिखा दूँगा कि कैसे जाना है, या फिर मैं नीचे से चल जाऊँगा तो वहाँ से भी एक शॉर्टकट है, तो जैसे भी जाना होता है आपको आगे मैं दिखा दूँगा। मैं बहुत ही गलत टाइम पर आया यार, क्योंकि अभी 1:00 और बहुत ज़्यादा कड़क धूप है, लेकिन यहाँ पर बहुत ठंडी हवा चल रही, तो यहाँ से उठने का मन नहीं कर रहा है। बहुत मस्त हवा चल रही, एकदम प्यारी प्यारी। ऊपर आने के बाद दोस्तों आपको दो रास्ते दिखाई देंगे, एक ये वाला है और एक ये वाला है। ये रास्ता नया है, पहले यही वाला रास्ता था, लेकिन जो ऊपर आपको पहाड़ दिख रहा वो टूट के गिर रहे थे, तो एक्सीडेंट वगैरह होने की वजह से ये नया रास्ता बनाया था जो कि बहुत ही अच्छा है। तो हम दोनों में से कोई एक रास्ते से जाने वाले हैं, लेकिन आपको यहाँ से सिटी का भी दिखाता हूँ। और ये जो आपको दिखाई दे रहा ना ये सोनेरी महल है। अभी मैं ऑलमोस्ट ऊपर पहुंच ही गया हूँ। ये देखिए पीछे केव्स है, तो इनके इतिहास के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये जो केव्स है 6वें या 7वें शतक में बनाए गए थे, मतलब आज से 1500-1600 साल पहले बनाए थे। तो उस टाइम पे जो बौद्ध भिक्खु रहते थे उनको रहने के लिए बनाए गए थे। और इसमें 3 नंबर और 7 नंबर की जो केव्स है वो अजंता और एलोरा से थोड़ी मिलती जुलती है। जो 3 नंबर की केव है वो जो अजंता की महायान केव्स है उनसे मिलती है, और जो 7 नंबर की केव है वो एलोरा की रामेश्वरम केव से मिलती है। तो ऐसा इनका बोलना है, वो इसमें कितनी सच्चाई है ये नहीं पता। बाकी अंदर स्तूपा भी है, अजंता में जो एक स्तूपा है उससे एकदम मिलता जुलता स्तूपा यहाँ पर भी है, मैं आपको चल के दिखा देता हूँ वो भी। ये देखो ये जो केव है एकदम पहाड़ को तोड़ के बनाया गया है। तो आपको जो ऊपर दिखाई दे रहा ना तो पत्थर टूटे नीचे गिरे हैं, ये जो पत्थर है ये टूट के ही गिरे, तो यहाँ पर ज़्यादा टाइम रुकना भी सही नहीं है, रिस्की है, कभी भी गिर सकता है। इसलिए जो यो वाला रास्ता था वो रास्ता बनाया गया था। अभी हम आगे चलते हैं, मैं आपको आगे की चीज़ें दिखा देता हूँ। ये गुफा क्रमांक 5 है और यहाँ पर बुद्ध की बहुत ही सुंदर मूर्ति है, एकदम अच्छे अवस्था में, कुछ भी टूटा फूटा नहीं है। और यहाँ पर परिक्रमा करने के लिए भी जगह है, मैं आपको परिक्रमा करके दिखाता हूँ। उस टाइम पे बनाई गई थी ये परिक्रमा करने के लिए। और ऊपर से यहाँ से हमारा जो शहर है कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ये एक स्तूपा है और बुद्धिस्ट इसमें रिलीजन में स्तूपा की बहुत ज़्यादा वैल्यू है।
और यहाँ पर परिक्रमा करने के लिए भी एक जगह है, मैं आपको चल के दिखाता हूँ। बुद्धिस्ट रिलीजन में जो स्तूपा है उनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। सम्राट अशोक ने भी बहुत सारे स्तूपा बनाए थे जो आज के टाइम में कुछ है, कुछ नष्ट किए गए और कुछ कुछ की मतलब इतिहास भी नहीं है। तो बहुत सारे स्तूपा उन्होंने बनाए थे वो टाइम पे। यह है गुफा नंबर 3, यह है महायान गुफा। और इसके अंदर भी यहाँ पर बुद्ध की बहुत ही सुंदर मूर्ति है। एक तरह से ये एक हॉल था जिसे गर्भगृह कहा जाता है, और आपको दिखाई दे रहा होगा एकदम सुंदर सुंदर यहाँ पर। देखो इतना कितना अच्छा यहाँ पर काम किया गया है। अभी ये पिक्चर्स वगैरह मुझे इतने कुछ समझ में नहीं आती क्योंकि मुझे हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है, लेकिन जो भी दिखाई देता है यहाँ पर, जो भी आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये इसमें एक स्टोरी है हर जगह पर। जैसे आप यहाँ पर आते हो तो यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा होगा ये ऊपर, ठीक है। तो इन सब के पीछे कुछ ना कुछ स्टोरी है। जैसे मैं अभी एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये मैं आपको वीडियो के फॉर्म में दिखा रहा हूँ, लेकिन उस टाइम पे वीडियो वगैरह कुछ नहीं रहते थे। तो उस टाइम के जो लोग थे इस तरह से वो हिस्ट्री क्रिएट करके रखते थे, तो उनकी हिस्ट्री कुछ ऐसे थी। हर जगह पर आप देखो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ है। ये क्या है मुझे तो नहीं समझ में आ रहा, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताना। हर जगह आपको दिखेगा, कोई भी पिलर ले लो, इतने बड़े बड़े पिलर है ये, और इन सारे ही पिलर्स पे कुछ ना कुछ हिस्ट्री है, कुछ ना कुछ मेरी तो समझ के बाहर है। और यहाँ पर है बुद्ध की मूर्ति, ये भी एकदम बहुत अच्छी अवस्था में, कुछ भी मतलब इसका टूटा फूटा नहीं है। नहीं, इसका इस मूर्ति का जो सर है ना थोड़ा सा तोड़ा हुआ है, पता नहीं किसने तोड़ा, कौन लोग कौन आके तोड़ते हैं बिल्कुल भी कुछ पता नहीं इस बारे में, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर एक मेल एक फीमेल दिख रही है। अब इसके पीछे की स्टोरी क्या मालूम नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो हो गई हिस्ट्री इसके बारे में। ये बड़े बड़े पिलर्स हैं, इनके ऊपर ही इतना विशाल ये स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। यहाँ पर एक हॉल है, मे बी यहाँ पर शायद जो बुद्धिस्ट भिक्खु थे वो ध्यान साधना वगैरह करते होंगे। तो चलते हैं अभी नेक्स्ट केव की तरफ। ये है गुफा नंबर 2, और यहाँ पर भी भगवान बुद्ध की बहुत सुंदर मूर्ति है, और साइड में भी 2 विशाल मूर्तियाँ हैं, शायद ये उनके दास या दासियाँ होंगे। और दीवारों पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पर भी भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ हैं, और हर जगह पर उनके दास दासियाँ फिर जो भी वो दिखाई देते, और ये पूरे हॉल में है ऐसा। तो इस जगह पर भी परिक्रमा करने के लिए रास्ता है, इधर से परिक्रमा कर सकते हैं। लेकिन आप देखिए जितना भी बड़ा हॉल है ना, पूरे इसमें हर जगह पर मूर्तियाँ, हर जगह पर, और हर इसकी कहानी है। यहाँ पर भी बुद्ध की मूर्ति है, यहाँ पर भी है, और भी पता नहीं थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, 1500-1600 साल हो गया, तो इतना कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उस टाइम पे उन्होंने कुछ कहानियाँ यहाँ पर लिख के रखी थी। इस पे लिखा है कि ऊपर से कभी भी पत्थर टूट सकते हैं, ये जो पहाड़ है इनसे पत्थर टूट के कभी भी गिर सकते हैं, तो ध्यान से जाना पड़ेगा। मैं हूँ कोई भी हो, आप भी कभी भी आते हो यहाँ पे, तो ध्यान से चलना क्योंकि बहुत रिस्की है ये जगह। वो देखो आपको वहाँ से दिख रहा होगा पत्थर गिरते, वहाँ से यहाँ से भी कभी भी गिर सकते हैं, तो जब भी आओ ध्यान से आना। दोस्तों ये है गुफा नंबर 1, और एक्चुअल में गुफाएं इधर से शुरू होती है, और आपको बड़े बड़े 4 पिलर्स सामने दिखाई दे रहे होंगे। इन्हें एक तो किसने तोड़ा या फिर ये टूट गए, और इन्हें देख के तो यही समझ आता है कि ये पिलर्स पहले बड़े रहे होंगे, और इनके ऊपर ये जो विशाल वास्तु है ये आगे तक रही होगी। और ऊपर से हमारा शहर छत्रपति संभाजीनगर कुछ इस तरह से दिखाई देता है। और वो जो आपको दिख रही है वो हनुमान टेकड़ी है, उधर से जो बैक साइड की लीनी है वहाँ जाने को भी रास्ता है। अब जब भी हो तो ये नए वाले रास्ते से आना, क्योंकि पहली वाली गुफा 1 नंबर की वहाँ है, 2 नंबर की यहाँ है, ये 3 नंबर की है, ये 4 नंबर की, और सबसे लास्ट में वो 5 नंबर की वहाँ है। तो अभी यहाँ की सारी गुफाएँ हो गई है, तो नीचे की तरफ चलते हैं, और वहाँ से मैं आपको जो पीछे की साइड की गुफा है वो दिखा देता हूँ। यहाँ से बाहर निकलने के बाद इस साइड आपको पार्किंग दिख रही होगी,
वो इसलिए क्योंकि इधर के साइड में पीछे की जो लीनी है वो इधर से आती है, इस रोड से अगर आप जाते हो तो। लेकिन मैं इस वाले रास्ते से बिल्कुल नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरी जो गाड़ी है मैंने वहाँ नीचे पार्क की है, तो नीचे से एक सीक्रेट रास्ता है जो सबको नहीं पता, जो लोकल है उनको ही पता है, तो वहाँ से जा सकते हैं। मतलब बीबी मकबरा जाने की ज़रूरत नहीं, उधर से नीचे होके जा सकते हैं और सीधा लग जाएगी वो लेनी। फिर मैं आपको अभी नीचे जाकर दिखा देता हूँ कौन सा वाला सीक्रेट रास्ता है, अगर आप कभी आओ तो आपको भी समझ में आ जाएगा। अगर आपको कभी साइलेंस चाहिए होगा, कोई साइलेंट जगह ढूंढ रहे, तो आपको इस शहर में इससे बेटर जगह कहीं भी नहीं मिलेगी क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा साइलेंस है, पूरा जंगल है। यहाँ पर पेड़ों की हिलने की आवाज़ें, पत्तों की आवाज़ें और जो पंछी होती है उनकी आवाज़ों के अलावा आपको कुछ भी सुनाई नहीं देगा। बहुत ही साइलेंट जगह है, कभी भी ऐसा मन करे तो इस जगह पर आ जाना। देखिए यहाँ पर भगवान बुद्ध की मूर्ति है, यहाँ पर बाबा साहब की, और ये धम्म चक्र, फिर यहाँ पर सम्राट अशोक का एक स्तंभ है, और इधर भी एक भगवान बुद्ध की मूर्ति है, और इस साइड में है विहार। देखो यार कितनी सुंदर जगह है ये, और ये जो आपको दो रूम दिखाई दे रहे हैं अभी के जो बौद्ध भिक्खु लोग हैं वो इसी रूम में रहते हैं, एकदम जंगलों के बीचों बीच, और इधर एक भगवान बुद्ध की मूर्ति। दोस्त यार मैं वीडियो बनाने में बिजी हो गया था और मुझे यार यहाँ पे सांप दिख गया, देखो दिख रहा हूँ आपको है ना, मेरा ध्यान ही नहीं था, मैं वीडियो बनाने के चक्कर में चल रहा था। माई गॉड बच गया यार मैं। जंगल के और भी बहुत अंदर तक बौद्ध भिक्खुओं के घर हैं, लेकिन मैं ज़्यादा अंदर तक बिल्कुल नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक सांप देख लिया था। दोस्तों जब सुबह मैं यहाँ पर आया था 11 बजे तो यहाँ पर गिने चुने ही लोग थे, लेकिन अब टाइम के साथ में यहाँ की जो भीड़ है बढ़ते ही जा रही है। तो दोस्तों अभी मैं आपको दिखा था वो सीक्रेट रास्ता जो पीछे की लेनी की तरफ जाता है, ये आगे की लेनी, फिर वहाँ से राइट टर्न लेना है और राइट टर्न से फिर इस रास्ते से हमें आगे जाना है। एकदम जंगलों के बीच से होते हुए रास्ता निकलता है, तो अभी कैसे इस साल ज़्यादा बारिश वगैरह नहीं हुई इसकी वजह से जंगल पूरे सूख गए, लेकिन जब बारिश अच्छी होती है ना तो पूरा हरा भरा हो जाता है, बहुत सुंदर दिखाई देता है। और ये रास्ता बस लोकल्स को ही पता है, बाकी लोगों को नहीं पता है ज़्यादा इसके बारे में। देखो अभी एक ऑटो आ रही सामने से, तो यहाँ से ऑटो भी आ सकती है, टू व्हीलर फोर व्हीलर सब गाड़ियाँ आती है। देखो ये फोर व्हीलर जा रही है, पहले ऑटो गई, टू व्हीलर्स गए, अभी फोर व्हीलर। रास्ता तो बहुत बढ़िया है यार, मतलब इस रास्ते से जाने में बहुत अच्छा लगता है, ठंडी हवा आती है, छाँव है, और बारिश के टाइम में मतलब बरसात के मौसम में यहाँ पर पूरा ये जो नाले हैं ये पूरे भरे रहते पानी से, तो और भी सुंदर लगते हैं। अभी ये मेन सिटी में है तो हम लोग यहाँ पर अक्सर आते हैं जब भी हमारा मूड होता है, तो बहुत सुंदर लगता है। अभी ये रास्ता लगभग ख़त्म हो गया, यहाँ से जो राइट टर्न जाएगा वो जाएगा बीबी मकबरा, और लेफ्ट टर्न जो है वो जाएगा दूसरी जो सेकंड वाली केव्स है ना उसके तरफ, तो हमें केव्स की तरफ जा रहे हैं तो ये रास्ता उधर ही जाएगा। अब यहाँ से दो रास्ते हैं, जो लेफ्ट वाला रास्ता है वो पहली वाली लेनी की तरफ जाएगा जो मैंने आपको दिखाया था, और ये वाला जो रास्ता है ये दूसरी लेनी की तरफ जाएगा, तो अभी हमको इधर ही जाना है। तो भाई ये हमारे कुछ नए दोस्त यहाँ पर मिले हैं, हमारे शहर के ही है, और अभी यहाँ पर मिले, इन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किया है, तो कुछ बोलना चाहोगे? बहुत भारी वीडियो बनाया भाई, सब्सक्राइब करो भाई ये चैनल को, सपोर्ट करो भाई को, लाइक करो चैनल को, सब्सक्राइब करो, लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो। हाँ बोलो, हाँ क्या बोले? बेल आइकन भी बटाओ, बेल आइकन दबाओ, सब्सक्राइब बटन दबाओ और सपोर्ट करो, सपोर्ट करो हमारे भाई को। चलो ठीक है, चलो बाय, मिलता बाय।
अभी हमने टिकट काउंटर पर भैया को वही पुराना वाला टिकट दिखाया जो पहले लेने पे निकाला था, क्योंकि आप इन दोनों में से कोई भी लेने पे एक टिकट निकालो 25 रुपये का रहता है, दोनों पे भी चल जाएगा, इसलिए उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया। अभी मैं आपको यहाँ की लेनी दिखाता हूँ वो कैसी है। इधर पे नर पहले से थोड़ा बेटर लग रहा है, इन्होंने मस्त गार्डन वगैरह बना के रखे है। यह है गुफा नंबर 8। और पूरा एक हॉल की तरह लग रहा है भाई, ये मेरे सर को लग रहा है, इतनी कम इसकी हाइट है। कुछ भी नहीं यहाँ पर, ये पूरा का पूरा खंडर है यार। देखो इतने से एक छोटे से जॉइंट पे अटका है, ये निकल जाएगा तो टूट जाएगा ये। इसकी हाइट भी इतनी कम है कि सर को भी लग जाएगा ये। अब यहाँ से एक छोटा रास्ता दिख रहा है, हम यहाँ से चलते हैं, देखते कहाँ निकलते हैं। और यहाँ तो पूरा हॉल लग रहा है मस्त, सामने इतना बड़ा स्पेस है और वहाँ पर भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण की मूर्ति है। इसके अंदर भी एक भगवान बुद्ध की मूर्ति है, लेकिन कुछ भी नहीं दिख रहा है इसमें से, खाली उनका सर दिख रहा है, बाकी सारी चीज़ें गायब हो चुकी है। एक तो ये तोड़ी गई या फिर पता नहीं। इधर भी कुछ मूर्तियां है, ये भी भगवान बुद्ध की मूर्ति है, सिंगल है शायद, कमल के फूल पे, ये कमल का फूल दिख रहा है, कमल के फूल पे बैठी है। इधर भी एक भगवान बुद्ध की मूर्ति है, साइड में दो और मूर्तियां है। ये वाली सही है, ये पूरी की पूरी अच्छी मूर्ति है, देखिए। बस इसकी उंगलियां तोड़ी गई, बाकी सब कुछ तो सही लग रहा है। और 1600-1700 साल के बाद अगर ऐसी अवस्था में मूर्ति है तो फिर ठीक ही है। दोनों ही गुफाएं मुझे एकदम एक जैसी लगी, ज़्यादा कुछ डिफरेंस दिखाई नहीं दिया। दोनों में भी बुद्ध की मूर्तियाँ थी, दोनों में भी हॉल थे जहाँ पर शायद जो भिक्खु लोग थे उस टाइम के ध्यान साधना वगैरह किया करते होंगे, तो ऐसा ज़्यादा बड़ा फ़र्क मुझे दिखा नहीं है दोनों में भी, बाकी बढ़िया है, आके देख लो एक बार। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको दोनों ही गुफाएं दिखाई, उनके बारे में मुझे जितना कुछ पता था, जितना कुछ बता सकता था वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। तो इस वीडियो को अब मैं यहीं पर कंक्लूड करता हूँ, और आया था मैं यूनिवर्सिटी से, लेकिन अभी मैं जाऊँगा बीबीक मकबरा से, तो जाते जाते मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों ये है यूनिवर्सिटी गेट, और इधर से आप जाओगे तो यहाँ से आएगी पहली वाली लेनी, और ये वाला दूसरा रास्ता है, यहाँ से आप जाओगे तो यहाँ से मकबरा आएगा और दूसरी वाली लेनी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर देना, और आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताना। जल्दी मिलेंगे एक नई जगह पर एक नई वीडियो के साथ।